रायपुर की जहां पुलिस ने कार शोरूम सुपरवाइजर विनय शंकर शुक्ला की हत्या मामले की गुत्थी सुलझा ली है। विनय शंकर की हत्या उनकी पत्नी ने अपने एक पुरुष मित्र के साथ मिलकर की थी और पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रीवा रवाना हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि मृतक और उसकी पत्नी में अनबन थी। 8 दिसंबर को पत्नी अपने साथी के साथ पति से मिलने गई थी। BSUP के मकान में उनमें विवाद हुआ और धक्का लगने से उसे खाट से मुंह और नाक पर चोट आ गई और उसकी मौत हो गई। यूपी कॉलोनी सरेना में शुक्रवार को एक व्यक्ति विनय शंकर शुक्ला नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी। दरवाजा बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ था। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा था, जिसमें मर्डर काउंट किया गया। मर्डर काउंट करने के बाद जांच में लिया गया।